जब हम आउटिंग पे निकलते हैं तो हम लोगों को मोस्टली ये हो रहा होता है कि हम लोग क्या खाएं क्या खाएं, बहुत बड़ा एक सवाल होता है, हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा होता है क्या खाएं। फिर दिल कर रहा होता है कि एक ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे हर वो चीज़ मिल जाए जो आप लोगों को खानी है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो आज मैं आपको उस जगह पर लेके आई हूँ, ये है आयशा मंजिल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये वो स्ट्रीट है जहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ खाने के लिए मिल सकती है जो कि आपको नीड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये पूरी लाइन से लगे हुए हैं स्टॉल्स, आप एक ही जगह पर रहकर डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, बन कबाब, गोला, कुल्फ़ी, गोलगप्पे, सूप, डिफरेंट चीज़ें, यहाँ तक कि इनफैक्ट बहुत मज़ेदार सी इनकी एक कलेजी है वो भी, और बारबेक्यू भी है इन लोगों के पास, शवारमा भी है, जिसको जो खाना है वो एक ही जगह बैठकर सब मंगवा सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। तो ये एक कराची की ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पर आप ईज़िली मंगवाएँ और अपना पेट पूजा करें। तो कुछ चीज़ों के मैंने करीब सी चीज़ बनाई थी वीडियो, जैसे कि ये इनकी कलेजी है, बहुत ही मज़ेदार थी, हम लोगों ने टेस्ट की थी। ये है इनका बन कबाब, ये है शवारमा। शवारमा लाहौर जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि ओके है, अगर जिनको पसंद है शवारमा वो खा सकते हैं। सच मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लगा। बाकी ये है भाई फ्रेश लैम, जो कि सबको पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद होगा, बहुत ही चीप रेट में। उसके बाद हम लोगों का दिल करता है कि चलो कुल्फ़ी खाई जाए, लेकिन ये कुल्फ़ी नहीं है, ये है फालूदा, मज़ेदार सा फालूदा। और लास्ट में हम लोगों ने खाया गोला गंडा। गोला गंडे को देखकर मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई कि हम जब स्कूल से ऑफ होते थे तो हम लोग वेट कर रहे होते थे कि शायद बाहर अंकल खड़े भी हों, इतनी गर्मी में गोला गंडा खाने का तो अपना ही एक मज़ा है। उसके बाद अंकल ने इसको फुल लोडेड ऊपर से चॉकलेट डाल दी और ये बहुत ही मज़ेदार। चलिए चलिए चलिए, इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी वीडियो और टिप्स आप लोगों से शेयर किए जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।